मध्य प्रदेश के एक गांव से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का सफर तय करने वाले देश के इतने बड़े विजनरी को हमने केवल दलितों का एक नेता बना के रख दिया है। देखिए, अभी आप लोग जैसे शो करते हैं, जैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे करना है ऑडियंस के सामने, वही करना है। कॉन्फिडेंस वही रखना है, कोऑर्डिनेशन वही रखना है, और ये मान लेना है कि सब ऑडियंस बैठी है, सब कुछ वही करना है। क्लोज योर आईज, सब कुछ याद कीजिए, और शो करना है, परफॉर्म करना है, एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस। ओके गाइस, यस सर, रेडी? यस सर। ओके, क्लोज योर आईज एंड जस्ट गो। चलना यार, नुक्कड़ नाटक वाले आए हैं, बाबा साहब का नाटक दिखाने। चल तू, जाना मैं नहीं जा रहा, वही अंबेडकर, वही जातिवाद, सब पता है मुझे। मध्य प्रदेश के एक गांव से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का सफर तय करने वाले देश के इतने बड़े विजनरी को हमने केवल दलितों का एक नेता बना के रख दिया है। बताओ कौन थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी? हमें खुशी है। आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो, रीढ़ को सीधा करो। अप्रैल 1891 में जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अपनी मां भीमाबाई और पिता रामजी के 14वीं और अंतिम संतान थे। पहले बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल। 18 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल की रामाबाई से तय कर दी गई थी। फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई पूरी। जैसे ही हम अपने सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। आजादी के बाद वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। अंबेडकर जी ने महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई। वो गवर्नर लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रिंसिपल और दिल्ली के रामदास कॉलेज के चेयरमैन भी रहे। एक व्यक्ति को कभी भी अपना व्यक्तित्व नहीं खोना चाहिए, समाज विकास के साथ साथ उसे अपना भी विकास करना चाहिए। देख रहा हूँ मुंबई में कोई अच्छा एक्टिंग स्कूल, जो एक्टिंग तो सिखाई साथ में शॉर्ट फिल्म में काम भी दे। अरे लग सकते ना, 6 महीने का एडवांस एक्टिंग कोर्स, वो भी हॉस्टल के साथ। डांस, डिक्शन, फाइट, कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, ऑडिशन प्रिपरेशन, ऑडिशन अपडेट, 2 ड्रामा और 2 शॉर्ट फिल्म में लीड रोल। सच में? पर फिर फीस होगी ना 4-5 लाख रुपए। अरे नहीं, सिर्फ 1,40,000 में मिल रहा है, वो भी मुंबई में रहने के साथ। क्या बात कर रही है? फिर तो मैं 6 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ और एक बेहतरीन एक्टर ही बनकर वापस आऊंगा।